वेलकम टू ए टू जेड अपडेट्स गाइस। सो मैं आज बात करने वाला हूँ टाटा नेक्सॉन और अल्ट्रोस के कुछ नए फीचर्स और कुछ अपडेट निकल कर आए हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। सो गाइस वीडियो का स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेगा। सो मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस बात करूँ टाटा अल्ट्रोस और टाटा नेक्सॉन की तरफ से, तो ये जो दोनों कार है वो अपने सेगमेंट की लीडर आप बोल सकते हो कि ये सेगमेंट में ये दोनों ही कार का बहुत ही अच्छा सेलिंग होता है। और टाटा की अल्ट्रोस की देखा जाए तो वो सबसे सेफेस्ट कार है, और वही टाटा नेक्सॉन भी देखा जाए तो वो बहुत ही सेफेस्ट कार है, यानी बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ही बढ़िया है। और उसके सेगमेंट में भी देखा जाए तो टाटा अल्ट्रोस जो है वो टॉप सेलिंग कार है, वही अगर नेक्सॉन की देखा जाए तो वो भी अच्छी टॉप सेलिंग कार है, और दोनों ही लुक में बहुत ही अच्छी है। सो गाइस इसी के साथ साथ इतने पावर और टॉर्क है और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, तो गाइस टाटा ने और एक नया अपडेट इसमें दिया है, तो जिसमें हमें ये जो दोनों ही कार है उसमें हमें ब्लैकआउट कलर देखने को मिलने वाला है, यानी कि इसका जो एक्सटीरियर होगा उसमें पूरा ही ब्लैक कलर देखने को मिलने वाला है, जैसे कि हमें टाटा हेरियर में देखने को मिलता है। सो इस ब्लैक कलर की वजह से इस कार में लुक बहुत ही अच्छा स्पोर्टी लुक देखने को मिलने वाला है, जिसका ये दोनों ही कार का एक्सटीरियर ब्लैकआउट होगा, और जो ग्रिल होगी वो भी बहुत ही अच्छी देखने को मिलने वाली है, और जो टेल लाइट और वो सब होगा वो ब्लैक कलर में बहुत ही अच्छा देखने को मिलने वाला है। और इसी के साथ साथ इसका जो ग्रिल होगा वो भी थोड़ा बहुत ब्लैकआउट कलर का देखने को मिलने वाला है। और गाइस इसका जो सिल्वर कलर का स्ट्रिप था वो कंटिन्यू रहने वाला है, यानी कि जो साइड बॉडी पर जो सिल्वर कलर का जो स्ट्रिप कंटिन्यू होता था वो तो वैसे ही रहने वाला है। और इसके साथ साथ जो इसका फॉग लैम्प का जो सेटअप है वहाँ पे भी हमें ब्लैक कलर देखने को मिलने वाला है। और इसका जो फ्रंट ग्रिल था उसमें जो सिल्वर क्लैडिंग की गई थी वो भी सेम रहने वाली है, और उसके अलावा बाकी सब ब्लैक कलर देखने को मिलने वाला है। और इसके साथ गाइस इसके इंटीरियर के बारे में बात करूँ तो इसका इंटीरियर भी पूरा ही हमें ब्लैक देखने को मिलने वाला है, हालांकि वैसे पहले भी ब्लैक ही था, लेकिन अभी जिस जिस जगह पर ब्लैक कलर नहीं था वहाँ पे भी ब्लैक टचेस देखने को मिलने वाला है, यानी कि इसका लुक जो है वो बहुत ही स्पॉटी देखने को मिलने वाला है। और इसी के साथ साथ गाइस इसका जो एक बड़ी बात वो है कि इसका जो अलॉयस होगा वो भी हमें डार्क ग्रे कलर के देखने को मिलने वाला है, जिससे ये ब्लैक कलर में बहुत ही अच्छा देखने को मिलेंगे, और ये कार का लुक बहुत ही अच्छा देखने को मिलने वाला है। और इसी के साथ साथ गाइस इसके लॉन्च के बारे में बात करूँ तो इसका लॉन्च जुलाई के 7th की डेट को होने वाला है, यानी कि बोल सकते हो कि 5-6 दिन में इसका लॉन्च होने वाला है, लेकिन इसकी जो अनऑफिशियल बुकिंग है वो आप शोरूम पर जाकर करवा सकते हो, वो स्टार्ट हो चुकी है। सो गाइस यही था अपडेट, और इस कलर में ये कार बहुत ही अच्छी देखने को मिलने वाली है, और इसका सेलिंग भी बहुत ही अच्छा होगा। और देखा जाए तो टाटा सफारी में भी ब्लैक कलर देखने को मिलता था जो कि XT और XZ ट्रिम में देखने को मिलता था, तो वैसे ही टाटा नेक्सॉन और टाटा अल्ट्रोस में हो सकता है कि जो दूसरा और तीसरा वेरिएंट होगा उसमें हमें ब्लैक कलर देखने को मिल सकता है। सो गाइस अब बात करूँ इसके प्राइस कितना इंक्रीज होगा। सो गाइस इसका प्राइस 20,000 तक इंक्रीज होने वाला है, यानी कि जो पहले वाला प्राइस था उसमें हमें 20,000 का इंक्रीज देखने को मिलने वाला है। सो गाइस आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये ब्लैक कलर में ये दोनों ही कार्स कैसी लग रही है, और आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।